आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी जो कि झटपट घर में बन जाती है, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसको किसी भी त्योहार पे भी बना सकते हो, बर्थडे पार्टी पे बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है खाने में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। त्योहार स्पेशल शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड लिया है। तो ये नॉर्मल सी ब्रेड है, इडली बाजार में मिल जाती है। अगर आपके पास इससे छोटी वाली है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो करना क्या है, इनको साइड में रखना है इस तरह से। और इस तरह से इसको कट कर लेना है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि आपको कैसे पसंद है। चौकोर में आप कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सभी को कटिंग कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। ब्रेड को हमने बढ़िया तरह से कटिंग कर लिया है, अब इसको साइड में रखते हैं। तो कुछ आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई में हमने लिया है आधा लीटर दूध। आप चाहो तो एक लीटर भी ले सकते हो, जितना आपको बनाना हो उसी हिसाब से दूध ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है और फुल क्रीम दूध लिया है। गैस को ऑन कर दिया है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक करना क्या है, चाशनी बना लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 5 चम्मच चीनी और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा से पानी। इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी हमको बना लेनी है। एक तार दो तार बिल्कुल नहीं बनानी है, सिर्फ हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो लीजिए चाशनी को हमने बना लिया है, इस तरह से चिपचिपी सी है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको साइड में रखते हैं। दूध में हल्का से उबाल आने लगा है, तो इस तरह से इसकी मलाई जो है ऐसे करके इसको इस तरह से बीच में कर देना है। अब इसमें डालना है स्वाद के अनुसार चीनी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी का प्रयोग किया है, आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हो। और यहाँ पे लिया है पिस्ता, बादाम और काजू, इसको भी इसी में डाल देते हैं। थोड़ी सी लिया है केसर के धागे, इसे थोड़ा से कलर आ जाएगा, फ्लेवर बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है इलायची, तो इलायची को हमने खोल कर डाला है। आप चाहो तो पाउडर बना के डाल सकते हो। अब चलिए इसको बढ़िया से गाढ़ा होते हुए बढ़िया से पका लेते हैं। जब रबड़ी बढ़िया से गाढ़ी होगी तभी अच्छी रेसिपी बनेगी। दूध को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम का इस्तेमाल किया है। जैसे कि ब्रेड लीजिए, उसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। 2 चम्मच डाल देंगे, आसानी से रबड़ी बन जाती है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे घर में मिल्क पाउडर नहीं रहता, कस्टर्ड पाउडर नहीं रहता है, तो हम रबड़ी बनाएं तो कैसे बनाएं। तो ये घरेलू तरीका आप जरूर आजमाइए, इससे बहुत आसानी से रबड़ी बन जाती है। वो टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। काजू भी आप इसमें पीस के डाल सकते हैं, थोड़ा से मावा का टेस्ट आ जाएगा। तो मतलब घर में बची कुछ चीजें से आप बना सकते हो आसानी से रबड़ी। हल्का से चावल का आटा का भी इसमें डाल सकते हो घोल बना के, मैदा का डाल सकते हो, मतलब तमाम तरीके हैं बनाने की रबड़ी। तो इस तरह से इसको गाढ़ा होते हुए हम बढ़िया से पका लेते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत बढ़िया से रबड़ी बन के रेडी हो चुकी है। काफी प्यारा इसमें कलर भी आया है और काफी गाढ़ी भी बन गई है। लेकिन अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ी ठीक होगी। तो इतना भर तक बहुत है, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्की सी लेयर आ रही है। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक कुछ आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इस तरह से डालना है। अब इसको धीमी आंच से इस तरह से पका लेना है।
दोस्तों इस रेसिपी को आप जहाँ तक हो देसी घी से ही बनाइएगा, क्योंकि तेल से अगर हम बनाते हैं तो फ्लेवर उतना अच्छा, स्वाद भी नहीं आता, फ्लेवर भी नहीं आता है। तो इस तरह से जब देसी घी से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और डालडा से तो बिल्कुल नहीं बनाइएगा, उससे जो है अच्छा फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता, टेस्ट भी खराब हो जाता है। इस तरह से हमको उलट पलट के इनको धीमी आंच से बढ़िया से सेंक लेना है ब्राउन होते हुए। इस तरह से घी को इस तरह से गार लेना है। अब बस इसको एक साइड में रख लेना है। इसी तरह हम जितने हमको चाहिए उतने हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमने बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया है, कुछ इस तरह के हमने किया है। कलर एकदम परफेक्ट है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा कलर आपको पसंद हो। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने एक बाउल में सीरा को ट्रांसफर कर लिया, ये हल्का से गर्म है। अब करना क्या है, इस तरह से ब्रेड को लेना है और इसमें जो है इस तरह से डिप कर देना है, बिल्कुल हल्का ही हल्का, और इस तरह से इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करते जाना है इस तरह से। हल्का सिरा गर्म रहेगा तो अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लीजिए दोस्तों हमने बढ़िया तरह से रख लिया है डिप करके। अब करना क्या है, इस तरह से मलाई को, सॉरी दोस्तों रबड़ी को लेना है और इस तरह से इसमें डाल देना है। तो लीजिए हमने बढ़िया तरह से डाल भी दिया है, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में तो एकदम लाजवाब है बहुत ज्यादा। तो लीजिए दोस्तों हमने सर्व कर दिया है, काफी हेल्दी और टेस्टी बना है। इसको करना क्या है, बस फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको बढ़िया ठंडा ठंडा खाइए, बढ़िया से बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसको किसी भी त्योहार पे बना सकते हो, बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बना के रेडी भी कर लिया, सर्व भी कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।